आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नीट पीजी काउंसलिंग ना होने के चलते जूनियर डॉक्टर 27 नवंबर से हड़ताल कर रहे थे। सरकार द्वारा लिखित आश्वासन के बाद जूनियर चिकित्सकों ने हड़ताल खत्म कर दी है और अपनी सेवाएं एसएन मेडिकल कॉलेज में देनी भी शुरू कर दी। 27 नवंबर से जूनियर चिकित्सक एसएन मेडिकल कॉलेज में हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांगे जो है सरकार द्वारा मान ली गई हैं, हड़ताल खत्म कर दी है और सारे चिकित्सक, जूनियर चिकित्सक जो भी हड़ताल पे थे वह काम पर लौट गए। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या क्या समझौते में उनकी बात रखी थी, बात पूरी हुई या नहीं हुई, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और उनसे बात करेंगे। यहाँ पर जो है डॉक्टर शिवम उपाध्याय जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह रहा। जो जैसा कि आपको सबको पता है, हम 27 नवंबर से अपना प्रोटेस्ट किए हुए थे अगेंस्ट द रिपीटेड डिलेज इन नीट पीजी काउंसलिंग और अभी पिछले कुछ दिनों से हम कंप्लीट शटडाउन पर थे। यूपी के क्या ही इंडिया के सारे कॉलेजेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल बॉडी फॉर्डा। तो जो हमारी मांगे थी, मेन मांगे ये थी कि एक तो नीट पीजी काउंसलिंग के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे कि उसकी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। दूसरा ये कि जो अभी उन्होंने एक पुलिस ब्रुटैलिटी करी थी हमारे साइलेंट प्रोटेस्टर्स पर, उसके लिए वो अपनी तरफ से अपोलोजाइज करें और उसके अंतर्गत जो भी उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए थे हमारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट अननेसेसरीली, उनको एक्सपंज किया जाए। और भी उसमें मांग्स थी कि जो भी स्ट्राइकिंग डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन ना हो या इस तरीके से। तो जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं मनसुख मांडविया जी, उस पर उन्होंने ना ही सिर्फ वर्बल अश्योरेंस, इस बार रिटन अश्योरेंसेज दिए हमारे फोर्डा रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। IMA के हस्तक्षेप से जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने रिटन अश्योरेंसेज इन बात पर देने को अग्रीड हैं कि कोई भी प्यूनिटिव एक्शंस नहीं होंगे, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं हैं और जो नीट काउंसलिंग की डेट है, हियरिंग की डेट है 6 तारीख को, उसमें सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी कि काउंसलिंग को उसी हियरिंग डेट पर, काउंसलिंग की डेट निकालने के लिए सरकार कोर्ट को अपील डालेगी अपनी तरफ से। ये उन्होंने रिटर्न अश्योरेंस दिया है। तो हमारी बेसिक जितनी भी मांगे थी वो सब सरकार ने सुन ली हैं और एजिटेशन एक हाई नोट पर है। होपफुली हमें आगे कुछ करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वी विल सून हैव अ काउंसलिंग डेट। तो इसी के साथ हम अपने अपने सर्विसेज पर, क्योंकि एपिडेमिक आ रहा है, हमारे आगरा में भी केस आ गए हैं एंड द कंट्री नीड्स अस नाउ मोर देन एवर, तो हम अपना सर्विसेज देने को तैयार हैं। 1 महीने से भी अधिक का समय वक्त लगा इनको, सरकार को अपनी बात मानने में आपकी, जो अब अगर सब कुछ करो 6 तारीख की जो डेट है कोर्ट में भी जो पेंडिंग पड़ी है, अगर फिर वो डिले होता है तो फिर क्या मतलब किया जाएगा, क्योंकि सरकार, क्योंकि प्रेशर भी काफ़ी है और उधर कोविड का भी लग रहा है कि लगातार केसेस बढ़ने शुरू हो गए, तो क्या लगता है आगे जो नहीं, जो अब ये जिस वजह से सरकार डिले करेगा, अब सरकार तो क्या कोर्ट ही डिले करेगा और वो क्या लॉजिक रखते हैं इसके पीछे, उसका उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। अगर उन्हें कोई जेन्युइन चीज़ के अंतर्गत करेंगे तो, जो कि मुझे लगता नहीं कोई भी जेन्युइनिटी अब बची है इस चीज़ में कि आप एक एपिडेमिक उसमें आ रहे हैं और 45,000 डॉक्टर्स को पीछे छोड़ दे रहे हैं, सर्विस नहीं देने दे रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक तो नहीं है एंड ऐसा करना भी नहीं चाहिए आगे कोर्ट को। बाकी जब देखेंगे अब आएगा तो फिर उसके बाद नेशनल बॉडी क्या डिसाइड करती है उसके हिसाब से। जूनियर चिकित्सकों का यही कहना है कि अब वह काम पर वापस लौट चुके हैं क्योंकि कोविड की लहर को देखते हुए ये फैसला सरकार ने शायद प्रेशर में आके लिया है और 6 तारीख को कोर्ट में इसकी हेयरिंग है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी कि आगे किस तरह का प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। कैमरामैन इंजीत के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़।